इंदौर लोकसभा सांसद शंकर ललवानी ने भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि किसी भी शहर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी भी जरूरी होती है। आज इंदौर जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें सड़क, रेल और हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी का अहम रोल है। रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से इंदौर 100 बड़े शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। कई रेल प्रोजेक्ट्स का काम अभी जारी है। इंदौर खंडवा रेल मार्ग का काम और इंदौर दाहोद रेल मार्ग का काम तेजी से चल रहा है। इंदौर के रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किन किन मुद्दों पर बात हुई? देखिए, शहर के विकास को लेके दो तीन बातें महत्वपूर्ण रहती है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कनेक्टिविटी। पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं पूर्णता की ओर है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो शहर में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा भी है। कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात करें, शहर में कनेक्टिविटी को, देश के अन्य शहरों को कनेक्टिविटी को लेकर, चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे हो या एयरपोर्ट हो, तीनों में कनेक्टिविटी तेज़ी से बढ़ी है। रेलवे के लगभग प्रोजेक्ट जो आने वाले कुछ वर्षों में पूरे हो जाएंगे, हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन मेन ट्रैक पे आ जाएगा और नया रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ सड़क परिवहन को देखें तो हमारे लगभग सभी शहरों से हमारा नेशनल हाईवे जुड़ गया है। जो काम बचे हैं वो तेज़ी से अभी होंगे। और दूसरा, एयरपोर्ट को अगर हम देखें तो आने वाले समय में एयरपोर्ट में और क्या क्या सुविधा होगी उसको देखकर इस बार हमें ऐसा लगता है कि इस साल 100 से ज़्यादा फ्लाइटें इंदौर से जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफ़र करे, उसको धारणा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। शहर तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने पहले भी विकास किया है, हमने जो लक्ष्य तय किए आने वाले समय में वो भी पूरे करेंगे। वहीं इंदौर एयरपोर्ट में भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से 100 फ्लाइट जाएंगी। सड़क परिवहन में भी नेशनल हाईवे से इंदौर सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। इंदौर अहमदाबाद पर माछलिया घाट सेक्शन का काम शुरू हो चुका है। भैरव घाट सेक्शन के ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे दुर्घटना नहीं होगी। इंदौर अहमदाबाद, इंदौर हरदा, बैतूल, नागपुर का काम तेजी से चल रहा है। इंदौर उज्जैन, झालावाड़, जयपुर, नई दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। अहमदाबाद रोड जो है हमारा लगभग पूर्णता की ओर, सिर्फ एक सेक्शन बच गया था, वो माछलिया घाट जो तकलीफ आ रही थी उसके लिए भी पैसे स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया। तो इंदौर से अहमदाबाद लगभग क्लियर हो गया। इंदौर से जो नागपुर है उसमें आगे काम चल रहा है। बैतूल, इंदौर से हरदा वाला काम चल रहा है। सिर्फ इंदौर से कर्नावत जो है, जो इंदौर का सेक्शन है, वो काम बाकी था, उसमें लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई पूरी हो गई है। तो इंदौर से जब हरदा पूरा हो जाएगा तो एक कनेक्टिविटी सीधे कलकत्ता तक जाएगी। अगर हम इधर देखें, कांडला से लेकर पोर्ट से लेकर इधर कलकत्ता तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमारे इंदौर की हो जाएगी। दूसरा, हमने बोला था कि इंदौर को दिल्ली से भी जोड़ना चाहिए, तो इंदौर को दिल्ली से जोड़ने के लिए हमारा पूरा प्लान तैयार है। लगभग आगे रोड बन गई है। सिर्फ इंदौर से उज्जैन भी बना हुआ, उज्जैन से झालावाड़ का जो रोड है वो सिंगल रोड है और वो माननीय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृति दी है, टेंडर भी हो गया, उसके काम प्रारंभ अभी हाल ही में जब आए थे उन्होंने भूमि पूजन करा था, वो भी हो गया। ये अगर उज्जैन से झालावाड़ काम पूरा हो जाता है तो हम इंदौर से झालावाड़ होते हुए जयपुर, जयपुर से सीधे दिल्ली पहुँच जाएंगे। पर एक कनेक्टिविटी और हमने मांगी थी कि जो बॉम्बे दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें भी इंदौर की कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो इंदौर से लेके गरौड़ तक ये रोड का काम, इंदौर से उज्जैन बना हुआ है, उज्जैन से लेके गरौड़ का काम प्रारंभ हो चुका है, उसका टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर भी हो गए, काम भी प्रारंभ हो गया। तो ये जो पूरा रोड है, कनेक्टिविटी हमारी इंदौर और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से हो जाएगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम ये खंडवा रोड की बात करें तो हमने देखा भौरकुआ चौराहे से तेजाजी नगर तक जो केंद्र सरकार ने पैसा नगर निगम को दिया था उसका काम तेज़ी से चल रहा है। तेजाजी नगर से आगे वाला जो सेक्शन है, जो खंडवा और खरगोन से जोड़ने वाला है, उसमें भी काम चल रहा है। सिर्फ ये बीच का पोर्शन में ऐसा था, जो घाट वाला फिर सेक्शन आ रहा था उसको लेके एक वन विभाग की थोड़ी आपत्ति है और एक और विभाग की जो लैंड एक्विजिशन की बात चल रही है उसमें भी वन विभाग वालों ने NOC दे दी कि आप कम से कम झाड़ काटें और टनल बनाएं। तो मुझे लगता है उसकी भी प्रक्रिया पूरी हो गई है, टेंडर प्रोसेस में। ये भी काम जब पूरा हो जाएगा तो हम इंदौर से खंडवा खरगोन होते हुए आगे हमारा एक नेशनल हाईवे जाता है जो सीधे हैदराबाद जोड़ेगा, तो इंदौर से कनेक्टिविटी हैदराबाद की हो जाएगी, इंदौर से कनेक्टिविटी कलकत्ता की हो जाएगी, इंदौर से कनेक्टिविटी कांडला की हो जाएगी, इंदौर से कनेक्टिविटी दिल्ली की हो जाएगी। तो सरफेस के मामले में भी, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हम इंदौर को तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर खंडवा खरगोन सर्किट का काम तेजी से चल रहा है। काम पूरा होने पर यह सड़क सीधे हैदराबाद से जुड़ जाएगी।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर जोड़ने के लिए इंदौर गरोठ का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि बेटमा में लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक पार्क तैयार होगा।